दर्शकों, आप जानते हैं सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चित्तौड़गढ़ के सांवलिया जी मंदिर में दर्शन और विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण के बाद वहां एक जनसभा को भी संबोधित किया। पूरे संभाग से आम जन और बीजेपी कार्यकर्ता वहां पहुंचे। पार्टी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, विधायकों और भाजपा से किसी भी तरह से जुड़े व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई थी कि वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को लेकर सांवलिया जी आए। कार्यकर्ताओं ने अपना काम बखूबी निभाया, जिससे मोदी की सभा को सफल करार दिया जा रहा है। लेकिन इसी दौरान कुछ भाजपा नेताओं को खुद ही यातायात व्यवस्था को भी संभालते देखा गया। इसी दौरान वहां मौजूद लोगों ने तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की, जो हमें मिली है। इस तस्वीर को देखिए, यह है वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रभारी गणपत लाल मेनारिया। एक बार फिर गौर से देखिए, हाँ, यह है गणपत लाल मेनारिया। ये भी भाजपा के जयपुर मुख्यालय से मिले निर्देशों के अनुसार वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र के कई कार्यकर्ताओं को लेकर सांवलिया जी पहुंचे थे। लेकिन प्रधानमंत्री की सभा खत्म होने के बाद पार्टी के आला नेता के आसपास मंडराने की बजाय वापस रवाना हुए। लेकिन बांसवाड़ा चौराहे पर इनका वाहन भी वाहनों के जाम में फंस गया। आखिरकार मेनारिया से रहा नहीं गया और खुद अपने वाहन से नीचे उतरे और यातायात व्यवस्था को बहाल करने में पुलिस की मदद करते दिखाई दिए। यहां तक कि मेनारिया ने लोगों को एक ही जगह ज्यादा भीड़ नहीं करते हुए लगातार आगे बढ़ने को भी कहा, जो आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। आपको बता दें कि मेनारिया बांसवाड़ा चौराहे पर करीब एक घंटे तक डटे रहे और हाईवे पर यातायात व्यवस्था बहाल होने के बाद ही अपने वाहन से गंतव्य के लिए रवाना हुए। जबकि इसके विपरीत अपने आप को जमीन से जुड़े मानने वाले कई वरिष्ठ पदाधिकारी और विधायक भी इस दौरान वहां से गुजरे, लेकिन किसी भी पदाधिकारी या विधायक ने अपने वाहन से बाहर तक झांकने की कोशिश तक नहीं की। आपको बता दें कि वल्लभ नगर से बीजेपी के दावेदारों में गणपत लाल मेनारिया भी शामिल है।